पूरे हरियाणा में उड़न खटोले से प्रचार कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। चाबी चुनाव निशान है और पिछले चुनाव में हम सबको पता है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में थी। क्या इस बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा? दुष्यंत चौटाला न्यूज 18 इंडिया के साथ हैं बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव। दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। क्या चाबी इस बार फिर से सत्ता की चाबी बनने जा रही है? बिल्कुल बनेगी और जनता का भरपूर जन समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है और मैं मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता समझ चुकी है, जहाँ 10 साल के बीजेपी के शासन को और खासतौर पर मेवात खड़े हैं, ये लोग तो भूले नहीं कि किस तरह यहाँ मेवात को जलाने का प्रयास किया गया। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तो पोल पूरे प्रदेश में खुल चुकी है और अब तो मैं आ ही रहा था रास्ते में, इतने में मुड़ा स्कैम भी आ गया कि कैसे मैसूर के अंदर मुख्यमंत्री ने अपनी बीवी के नाम जमीन कर ली। तो ये दिखता है कांग्रेस की फिदरत रही है। और हरियाणा के अंदर तो आज भी वो 10 साल के शासन में जो 63,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र हुड्डा ने सेक्शन 4(6) लगाकर डी नोटिफाई करी, वो कोई भूला नहीं है कि कैसे प्रॉपर्टी बिल्डर डेवलप करे गए और बड़े बड़े बिल्डरों को जमीनें दी। आज ईडी ने, सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर रखे, अटैचमेंट्स कर रखे। सर, मेवात की ज़मीन पर आप खड़े हैं और जब आप डेप्यूटी सीएम थे, मेवात हिंसा को लेकर आपका बयान भी हमने वो देखा था, क्या लगता है उस वक्त जो सरकार थी इस पूरे एपिसोड को कंट्रोल करने में फेलियर रहा था? जब एसपी छुट्टी चला जाए और ऐसी घटना हो जाए तो किसका फेलियर है? और मैंने तो खुल के कहा था कि कहीं ना कहीं इस शांतिपूर्वक क्षेत्र को भड़काने का प्रयास किया गया। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है अभी जेजेपी की? कह रहे हैं स्थिति जेजेपी की पहले जैसी तो नहीं रहने वाली है, बड़ी उचाना में भी आप फंसे हुए हैं। पहले जैसी स्थिति, पहले आपको पता है कैसी स्थिति थी? हमने जीरो से शुरू किया और मैं ये मानता हूँ जनता का जब प्यार मिलता है ना, स्थिति फिर बदलती है। और अभी तो शुरुआत है, 10 दिन का चुनाव बाकी है, 10 दिन के अंदर देखिएगा कितनी स्थिति बदलेगी, ऊंट कितनी करवटें लेगा। और जब चुनाव पास आता है हर सेकेंड स्थिति चेंज होती है और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि स्थिति आने वाले दिनों के अंदर केवल मात्र वो चाबी ताला खोलने तक सीमित नहीं रहेगी, ताला भी हमारा होगा, चाबी भी। विरोधी लगातार हमलावर है, चलते चलते बात कर लेते हैं। आपको विरोधी कहते हैं कि पूरा चुनाव आपका फिक्स है, जाट वोटों में, दलित वोटों में सेंधमारी के लिए आपको खड़ा किया जा रहा है। मैं अगर आपको कह दूं कि आपके चैनल एक दूसरे के साथ फिक्सिंग करके न्यूज़ चलाते तो क्या सहमति होगी? हर चैनल अपना काम करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है। सर, ये आपको कुमारी शैलजा पर क्या कहेंगे, उनको लेकर वो कांग्रेस में कई दावेदार खड़े हो गए। मेरा सवाल सुन लीजिए, कुमारी शैलजा को लेकर जो अभी चल रहा है, कैंपेन में वो नजर नहीं आ रही थी, उसको सवाल उनको लेकर सवाल था। अभी सुरजेवाले के बेटे ने कहा कि वो अपने पिता को सीएम देखना चाहते हैं, तो लग रहा है कि कांग्रेस में सीएम के फेस ही बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं, कांग्रेस की तो ये पुरानी फितरत रही है और कांग्रेस के अंदर जिस तरह महिलाओं पर टिप्पणी, केवल मात्र कुमारी शैलजा पर ही नहीं, जिस तरह अलग अलग जगह जो टिप्पणियाँ करी गई है, ये साफ दिखता है कि महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ एक ओर पर तो वीरेंद्र सिंह महिलाओं को भांज बोल देते हैं, वहीं दूसरी ओर पर जयप्रकाश जो सांसद हैं वो कहते हैं लिपस्टिक और पाउडर वाली, और वहीं इस तरह की टिप्पणी कुमारी शैलजा के लिए करी जाती है। साफ दिखता है कि उनकी मंशा क्या। सर, आखिरी सवाल, इंटरव्यू वाइंड अप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सीट जेजेपी आज जीतने की स्थिति में है, तो क्या दावा आप कर रहे हैं? पहले से दुगनी से ज़्यादा। अच्छा अच्छा सर, एक और आरोप ये लगता है दुष्यंत जी पर कि जो बीजेपी के साथ आप गए उस वक्त और वो जो पूरा एपिसोड हुआ, थोड़ा सा इधर आ जाए सर कैमरे के फ्रेम में, क्या आप अब ये कहेंगे ऑन कैमरा कि आगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? और मैंने किसान आंदोलन पे उनका साथ दिया और वो गलती रही मेरे से, और उस समय अगर मैं साथ ना देता, लोगों की जन भावनाओं के साथ खड़ा रहता, तो शायद आज परिस्थिति कुछ। आपको लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए था उस टाइम? जन भावनाएं तो ये चाह रही थी, अब जन भावनाओं को तो मानना पड़ता है राजनीति। तो आजाद समाज पार्टी के साथ क्या लग रहा है कि फायदा होगा? बिल्कुल, एक और एक 11 की जोड़ी बनेगी, दो युवा मिलकर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, देखिए दुष्यंत चौटाला, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। भीड़ देखिए समर्थकों की, अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और फिरोजपुर झिरका सीट है यहाँ पर, हालांकि पिछली बार तीसरे नंबर पर इनके उम्मीदवार यहाँ पर रहे थे, कैंपेन के लिए पहुंचे हैं, समर्थक यहाँ लेने के लिए आए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर अभी जनसभा को संबोधित करेंगे जेजेपी
आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, 65 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 10 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला थे, क्या इस बार वो इतिहास दोहरा पाएंगे या फिर चुनावों में कुछ और ही होने जा रहा है।